भाइयों और बहनों, बीते 8 सालों में हमने रेल कनेक्टिविटी के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया है। आज रेलवे में सफर का अनुभव 8 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। भारतीय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। कर्नाटक में भी बीते वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन या तो नई बनाई है या फिर चौड़ीकरण हुआ है। भारतीय रेल अब वो सुविधाएं, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही है जो कभी एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में ही मिला करती थी। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया, उनके नाम पर बेंगलुरु में बना आधुनिक रेलवे स्टेशन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे बताया गया है कि आज बेंगलुरु में लोग इस स्टेशन पर जाते हैं जैसे किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, वो अजूबा देख रहे हैं। उनको देश बदलता हुआ उस रेलवे स्टेशन के रचना से दिखाई दे रहा है और लोग मुझे बता रहे थे युवा पीढ़ी तो सेल्फी लेने के लिए कतार लगा के खड़ी हो जाती है। ये कर्नाटक का पहला और देश का तीसरा ऐसा आधुनिक रेलवे स्टेशन है। इससे सुविधाएं तो आधुनिक हुई है, बेंगलुरु के लिए ज्यादा ट्रेनों का रास्ता भी खुला।